किसी समय खतरा होता है, आप करेंगे तो आपके साथ हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं निकाल के सांप कौन सा है। दोस्तों बारिश का महीना है और ऐसे बारिश के महीने में अक्सर जब भी बारिश होती है तो हर जगह बिल में होल में पानी जाता है, तो ऐसे में खतरनाक सांप कभी बेजुबान या बगैर खतरनाक हो तो जितने भी जीव जंतु हैं हमारे आपके घरों की तरफ प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में हमारा आपका ये फ़र्ज है घरों की साफ़ सफाई रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, चैतन्य रहिए। तो ऐसे में क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए निकाल के दिखाते हैं, दो मिनट का वक्त लेते हैं। दोस्तों जौनपुर सिटी से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है बिरभानपुर, तो इसलिए प्लीज़ कम आइए, देखते हैं कौन सा सांप। बहुत पुराना है वो, कोबरा सांप है, बहुत दिन से रहता है। का बहुत ना दिखाने में बेटा, हाथ माता जी दिखाई कभी कभी देता है। अरे इस साइड ये सुना चला था, नहीं ऊपर से नहीं आया होगा, ऊपर ही देख लेते हैं क्या। उस तरफ ध्यान करके दिखा दीजिए, बस आ जाइए। कोपर नहीं पकड़े, यस यस रेडी। आप इस साइड से तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसे ही स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं, हमारे भारत का बहुत ही जहरीला सांप है। तो दोस्तों थोड़ा सा जद्दोजहद हुआ, खोजबीन हुई और इसे निकालना पड़ा, तो चलिए निकालते हैं। दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, इस वीडियो को देख के ये गलती आप नहीं कीजिएगा दोस्तों, इसी समय खतरा होता है, आप करेंगे तो आपके साथ हो सकता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। दोस्तों जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर अनाज और अनाज को खाने के लिए चूहा अक्सर हमारे घरों में। अरे वो दोस्तों इस वीडियो को देख के ये गलती आप नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है। इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इसी को नाग, इसी को फिटार, बहुत से सारे नामों से ये जाना जाता है। वैसे इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और ये बहुत ही जहरीला सांप है। दोस्तों इसका पसंदीदा भोजन चूहा है और चूहा को खाने के लिए ही हमारे आपके घरों में ये रहता है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और अब हम इसे निकालते हैं बाहर और काफी दूर लेके चलते हैं। दोस्तों ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, चलिए सर चलिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं बगल में ये रसोई घर है, यहाँ पर खाने पीने की बहुत सी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो दोस्तों जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर अनाज होता है और अनाज को खाने के लिए चूहा अक्सर हमारे घरों में रहते हैं। इसका पसंदीदा भोजन चूहा है और ये चूहा को ही खाने के लिए घर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तभी जाकर के किसी को भी खतरा पहुंचाता है और नहीं तो नहीं पहुंचाता है। दोस्तों इसको साइंस नाजा नाजा के नाम से जानता है, इसके साथ जब भी आप छेड़छाड़ करेंगे तभी ये आपको बाइट करेगा। दोस्तों इसके काट लेने के बाद में, यानी कि जब बाइट करता है रात के अंधेरे में, तो इंसान के पास सीधा 1 घंटे का टाइम होता है और ऐसे में आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे देश प्रदेश में, गाँव में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है दोस्तों। तो लोग इसके काटने के बाद में जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र दवा पीने पिलाने जैसी कोई बात करते हैं, जबकि दोस्तों वो गलत साबित होता है, कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। आप लोगों से अपील इस बात की करते हैं दोस्तों कि जब भी रात के अंधेरे में आप निकलिए तो आपके हाथों में टॉर्च का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रात के अंधेरे में ही टहलता है, इसको निशाचर कहते हैं। तो जब भी हमारे आपके कदमों से, पैरों से या हाथ से टच होता है
तो समझ लीजिए दोस्तों खतरा एक कर सकता है ये है। और एक बात रहती है दोस्तों, ये रात में ही टहलता है और अपनी भोजन की तलाश में। इसका जो भोजन है दोस्तों पसंदीदा वो चूहा है, और चूहा को खाने के लिए ही घर में प्रवेश रहता है। तो थोड़ी घर की साफ सफाई रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। उमस भरी मौसम इसमें चल रहा है, बारिश भी हुई है, तो ऐसे में हमारे आपके साथ खतरा बना हुआ है दोस्तों। कहीं कहीं पर इसे पलटू के नाम से भी जानते हैं, जब हम इसे टच करते हैं तो बहुत तेज़ी से ही फूंक मारता है। चलिए इसे पैक कर देते हैं, काफ़ी दूर लेके चलते हैं। वैसे दोस्तों इसकी काटने पर कुछ होता नहीं, बस इंसान मर जाता है, जैसे अगर इलाज नहीं हुआ तो। तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई इस वीडियो को देखिए। गलती आप नहीं कीजिएगा, आप करेंगे दोस्तों आपके साथ खतरा हो सकता है। ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए पहले से ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जीवों के साथ में, जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।